नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में नए एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने किया पदभार ग्रहण। गुमला जिले के नए एसपी के रूप में रविवार को डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने विधिवत पद ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सादे समारोह के बीच गुमला के निवर्तमान एसपी हरदीप पी जनार्दन से पदभार लिया। मालूम हो कि इससे पूर्व डॉक्टर एहतेशाम बकारीब कोडरमा के कार्यरत थे। जिले के निवर्तमान एसपी हरदीप पी जनार्दन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने कहा कि गुमला जिले की भौगोलिक बनावट से मैं वाकिफ हूँ। इससे पूर्व लातेहार जिले में एसडीपीओ के पद पर कार्य किया है और कई बार गुमला से होकर आना जाना हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच दूरियां कम करना और लोगों को सुरक्षित एहसास दिलाना पहली प्राथमिकता होगी, यही मेरी जिला वासियों से अपेक्षा है। वहीं निवर्तमान एसपी हरदीप पी जनार्दन ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कार्यकाल के दौरान सहयोग करने के लिए पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो बचे हुए नक्सली हैं वे भी आत्मसमर्पण कर सरकार की नीति का लाभ उठाएं। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। 7 तारीख के अपराह्न में गुमला जिला का पदभार लिया है और जनार्दन सर से, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे जो भी नक्सल कार्य बढ़िया कार्य हुआ है उसको और भी बेहतर करने का हमारा पूरा निष्ठा रहेगा। उसमें हम लोग चाहेंगे कि अभी जो भी नक्सल बचे हैं उनको मुख्य धारा में शामिल हो जाए, वे सरेंडर कर ले और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका लाभ उठाए। दूसरा, जो क्राइम एंड कंट्रोल पे उस पर हमारा भरपूर नियंत्रण रहेगा और उसको मैं जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिस की इमेज यहाँ पे स्थापना करने की भी जो भी है उसको और बेहतर करने का प्रयास। जिला में योगदान ये दिया था पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना का पीक टाइम था और यहाँ पे थोड़ा कम्युनल सिचुएशन पैदा हो रहा था। यहाँ आने के बाद मेरा गुमला जिला का टीम के साथ हम लोग ये प्रॉब्लम को जल्दी समाप्त किया। गुमला जिला में मैं प्रोबेशन भी किया, इसलिए गुमला जिला का एसपी बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात था। और हमारा यही यकीन है कि हम जो एसपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना था हम बढ़िया से निभाया है। हम जब यहाँ आया था हमारा भी प्राथमिकता ये था कि यहाँ जो नक्सल मूवमेंट जो चल रहा था जिससे पब्लिक परेशान था उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, और इसमें हम लोग थोड़ा सक्सेस पाया भी है। हम लोग कामडारा साइड से हम लोग ऑलमोस्ट पीएलएफए को अभी गुमला जिला से बाहर ही कर दिया है, और यहाँ पे पिछले 20 साल से घूमने वाला आरसीएम मेंबर बुधेश्वर को भी हम लोग मार गिराया है। अब ये कोर एरिया में अभी माओवादी का इन्फ्लुएंस कम हो गया है। अभी हमारा मेन चैलेंज है लोहरदगा लातेहार बॉर्डर में रविंद्रगंज का दस्ता, और मेरा जो नया एसपी से भी मेरा यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द गुमला जिला को नक्सल मुक्त बनाएंगे। थैंक यू।